हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, ऑथेंटिक और चटपटा सा रगड़ा चाट बनाने की रेसिपी, जो कि रमज़ानों की जान है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनेगा। मैं आज आपके साथ सारे ही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 5 लाल मिर्चें ली है, 1 चम्मच भर के धनिया लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ, 10 से 12 काली मिर्चें ऐड करेंगे, और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन भी ली है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे मसाले फिर आसानी से हम इसे क्रश कर सकते हैं या ग्राइंड कर सकते हैं। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया। जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस तब तक ही हमें भूनना है, और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। लाल मिर्चें मैंने अलग से ग्राइंड की है, चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये परफेक्ट सा दरदरा सा ये मसाला बन के तैयार हो गया, जिसे आप किसी भी तरह के चाट, दही भल्ले या फिर इस रगड़े में तो ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आएगा इसका। तो हमने मसाला तैयार कर लिया, इसे साइड में रखते हैं, और एक दूसरे बर्तन में मैं 3 चम्मच के बराबर ऑयल ऐड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेल वगैरह नहीं जाता है, और 2 चम्मच भर के ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने इस तरह से क्रश करके डाला है। इस तरह से आप क्रश करके ऐड कीजिए, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा रगड़े में। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 2 मिनट के लिए फ्राई किया है, और फिर हमें ऐड कर लेना है बेसन। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, जिसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है। अच्छे से स्टर कर लेंगे, बिल्कुल लम फ्री, और फिर एक हाथ से आपको इस तरह से चलाते हुए बेसन की स्लरी को ऐड कर लेना है। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे आपका जो रगड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और थिक कंसिस्टेंसी वाला, जैसे आप मार्केट में खाते हैं ना, ठीक उसी तरह का आपको रगड़ा बन के तैयार हो जाएगा। इसे भी हम लगातार 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे, ताकि बेसन में किसी भी तरह का कच्चापन ना रहे। तो देखिए, इस तरह की हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। बेसन बिल्कुल सॉफ्ट सा, चिकना सा हो गया है, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। और जैसे ही बेसन को हमने 2 से 3 मिनट पका लिया, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। एक बार फिर से इन मसालों को अच्छे से स्टर कर लेंगे, ताकि बेसन हमारा और भी अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे। मसालों को भी स्टर कर लिया, और इसमें ऐड कर लेंगे कड़ी पत्ता। फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। आप चाहें तो आपने इसे तेल में भी आप ऐड कर सकते थे, तेल में फ्राई करके। मैंने अभी इस स्टेज पर ऐड कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, और फिर इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने मसाला बनाया था ना स्टार्टिंग में, वो मसाले को मैंने 1/2 चम्मच भर के मसाला भी ऐड कर लिया है। एक बार फिर से स्टर करेंगे। आप इस मसाले को ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके रगड़े में। और बस यहाँ पर फिर मैंने ये 1/2 किलो, यानी कि 500 ग्राम जो सफ़ेद वटाना आता है, उसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। आप 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दीजिए, और फिर कुकर में हल्दी डालकर मैंने 5 से 6 सीटी आने तक इसे बॉईल किया था। तो देखिए, ये इतनी अच्छी तरह बॉईल हो जाए, और बॉईल करते हुए मैंने 2 ग्लास पानी डाला था, तो बस ये परफेक्ट रहेगा। सारे पानी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक वगैरह मैंने नहीं ऐड किया था बॉईल करते हुए, क्योंकि जब आप नमक ऐड करते हैं तो वो उसका बॉईल होने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो सिर्फ मैंने हल्दी डालकर ही बॉईल किया था। थोड़ा यहाँ पर मैंने ऐड किया है, मिक्स कर लिया है, ताकि हमें मिक्स करने में आसानी रहे। और फिर सारे ही वटानों को हम एक साथ इसमें ऐड कर लेंगे। पानी वगैरह आपको इसका बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि आप धीरे धीरे देखेंगे ना, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो इसे कंटिन्यूस हमें चला लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखा है हमने। वैसे तो हमने यहाँ सारी चीज़ों को पका लिया है, बेसन भी अच्छे से भून लिया था, और फिर जो वटाने हैं ये भी हमारे काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से आप चम्मच से थोड़ा सा क्रश कीजिए, क्योंकि ये वटानों के अंदर भी ना थोड़ा सा स्टार्च होता है। तो जैसे जैसे ये पकेगा ना, तो इसमें और भी ज़्यादा थिकनेस आएगी, और जैसे मार्केट वाली कंसिस्टेंसी होती है ना, ठीक उसी तरह से बन के तैयार होगी आपकी भी ये रगड़ा चाट। तो देखिए, अब ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है, इसमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने लगी है। हम इसे 1 से 2 उबाल आने तक इसी तरह पकाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। तो आप इसे बीच बीच में थोड़ा स्टर करते हुए पकाएं, ताकि जो हमने बेसन वगैरह ऐड किया है नीचे ना लगे।
यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू बॉईल किए थे वटानों के साथ ही, उसे भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ आधा कप भर के मैं ले रही हूँ इमली का पल्प। सिंपली आपको इमली को भिगो देना है और उसके अंदर से सारा ही उस पल्प निकाल लेंगे हम निचोड़ कर। हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा सा प्याज ऐड किया है ताकि हरा धनिया पुदीना और प्याज का भी सारा ही फ्लेवर इसमें आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 1 से 2 मिनट तक हम और पकाएंगे, इसमें उबाल आने तक पकाते रहेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है, जब आप इसे रमज़ानों में बनाएंगे, आपके गेस्ट को सर्व करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को सर्व करेंगे तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा कि सब आपसे दोबारा ज़रूर मांगेंगे और साथ में रेसिपी भी ज़रूर पूछेंगे। तो देखिए इसमें 2 उबाल आ चुके हैं, यानी कि हमारा रगड़ा पूरी तरह रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर इसे थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। तो हमने जो मसाला बनाया था वो डाला है, थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, साथ ही में जो फ्राई की हुई प्याज है वो भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा चटपटा सा रगड़ा बन के तैयार हो गया है। आने वाले रमज़ानों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और मेरे इस मेथड को फॉलो कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपका रगड़ा बनके तैयार होगा। तो चलिए जैसे स्ट्रीट स्टाइल में इसे सर्व किया जाता है ना, वैसे ही हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए इस तरह के बोल्स में वो सर्व करते हैं। आप भी इस रगड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे भी हम गार्निश कर लेंगे। ठीक उसी तरह से थोड़ा सा इमली का पल्प ऐड करेंगे, साथ ही में थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, जो मसाला हमने बनाया था वो भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ग्रीन चटनी ऐड की है, ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और ढेर सारी फ्राई की हुई प्याज। तो इस तरह से आप भी इस पर नींबू निचोड़कर सारे ही मसाले ऐड करके इस रगड़े को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।